नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम विद्यार्थियों का अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, साथ ही उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो लीगल गार्जियन हैं, उनका किस प्रकार से हम ऑनलाइन कंसेंट फॉर्म यानी कि ऑनलाइन सहमति फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, सबसे पहले हमको ऑनलाइन कंसेंट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऑनलाइन सहमति फॉर्म फिलअप करने के बाद ही हम संबंधित विद्यार्थी का अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए, आपको वीडियो में आगे पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेनी है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जा करके आपको इस तरह टाइप करनी है, udesh+.gov.in। जैसे ही आप टाइप कर सर्च करते हैं, ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा जिसमें आपको मेन्यू बार में जाना है। वहां से जाने पर आपको ये वाला टैब दिख जाएगा, लॉग इन फॉर आर मॉड्यूल्स। तो आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग इन फॉर आर मॉड्यूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे udesh+ लॉग इन के बहुत से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपको प्रोफाइल सेक्शन, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, इस प्रकार से। तो आपको ये स्टूडेंट मॉड्यूल पे ही जाना है, जहां से आपको सबसे पहले आपको अपना स्टेट चयन कर लेनी है। उसके बाद नीचे में आपको गो दिखाई पड़ेगा, तो आपको गो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे आप अपना स्कूल का यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉग इन कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं अपने आईडी पासवर्ड के थ्रू। तो इस तरह से हम अपने विद्यालय की यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने पर हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 दिखाई पड़ेगा। आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ जाएगा, इसको आपको यहाँ से क्लोज कर लेनी है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है कि सब किस क्लास में, किस सेक्शन में कितने कितने आपने विद्यार्थी एनरोल किया हुआ है, बॉय गर्ल्स टोटल, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको मेनू बार में आपको दिखाई पड़ता है एक टैब, अपार मॉड्यूल। तो आपको ये अपार मॉड्यूल के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही हम अपार मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको क्लास या फिर ग्रेड दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लास का चयन कर लेना है कि जिस जिस क्लास का आप अपार आईडी जनरेट करना चाह रहे हैं। यहाँ से क्लास चयन करने के बाद यहाँ से आपको सेक्शन चयन करना होगा। तो यहाँ से चलिए हम एक क्लास चयन कर लेते हैं। यहाँ हमने क्लास चयन कर लिया क्लास 9, और सेक्शन यहाँ पे हमने ऑल ही रहने दिया। उसके बाद जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए संबंधित क्लास में कितने विद्यार्थी इनरोल है, उसमें कितने विद्यार्थी का अपार आईडी जनरेट हो चुका है और कितने पेंडिंग है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारे मामले में क्लास 9वीं में टोटल 125 विद्यार्थी दर्ज है, और अभी तक किसी विद्यार्थी का अभी हमने अपार आईडी जनरेट नहीं किया हुआ है। तो टोटल पेंडिंग कितने हैं, 125। और नीचे में आपको विद्यार्थी की पूरी लिस्टिंग दिखाई पड़ जाती है, जिसमें उनका बेसिक डिटेल्स में आप उनका नाम, उनका जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ, साथ ही उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको उनका क्लास दिखाई पड़ जाएगा और सेक्शन दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको स्टूडेंट का पेन नंबर, यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस, आपका कंप्यूटर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर यदि अनकम्प्लीट दिखाई पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले जाकर के आपको संबंधित विद्यार्थी का GPEP और FP सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, स्टेटस हमको पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक इनका अपार आईडी जनरेट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अपार आईडी आपका नॉट अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनका जारी नहीं हुआ है। तो एक्शन के नीचे में आपको दिखाई पड़ता है जनरेट। तो जिस विद्यार्थी का आप अपार आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक्शन के नीचे में आपको दिखाई पड़ता है जनरेट का। तो आपको ये जनरेट के ऊपर ही क्लिक करना है। चलिए हम जनरेट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम जनरेट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा जनरेट अपार आईडी, और साथ ही यहाँ पे आपको एनेक्स 2 दिया गया है, यानी कि पालक का सहमति पत्र। इस पे यहाँ पर भी इसको आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको स्टूडेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ जाता है, जिसमें स्टूडेंट का पूरा नाम, उनका पेन नंबर, उनका डेट ऑफ पर ये चीजें आपको दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे प्लस का आइकन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप उसकी और पूरी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें उनका जेंडर, उनका क्लास, उनका मोबाइल नंबर, उनका पिता का नाम, उनका माता का नाम, ये चीजें आपको दिखाई पड़ जाती है। फिर कहता है, डू यू वांट
के बाद देखिए यहाँ पे कहता है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल, यानी कि यहाँ पे आपको आधार नंबर दिखाई पड़ जाएगा और आधार के अनुसार से विद्यार्थी का क्या नाम है ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। यदि आपको लगता है यहाँ पे कुछ त्रुटि है तो ये वाला चेक डिब्बा पे क्लिक करके इसको आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पे आप इस तरह से विद्यार्थी के जो भी सही आधार नंबर उसको फिल कर सकते हैं और यहाँ पे विद्यार्थी का आधार कार्ड में जैसा नाम है यहाँ पे आप उसको फिल कर पाएंगे। तो चलिए हम जो कि यहाँ पे चेंज नहीं करना चाह रहे इसलिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ से अनचेक कर देते हैं। तो देखिए फिर से वही जानकारी यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाती है। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको नोट करके दिया गया है कि टू अपडेट एनी ऑफ द एबव फील्ड विजिट जनरल प्रोफाइल सेक्शन ऑफ दिस स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे ऊपर में जो भी आपको जानकारी दी गई है इसमें यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए विद्यार्थी की जो जनरल प्रोफाइल सेक्शन है वहाँ पे जाकर के वहाँ पे आप करेक्शन कर पाएंगे, जानकारी को अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको चीजें दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको सामने कंस्ट्रेंट ऑनलाइन फाइल दिखाई पड़ रहा है, सहमति पत्र। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंस्ट्रेंट बाई फादर मदर या फिर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपर एडी जनरेशन, तो यहाँ पर देखिए आई दिखाई पड़ रहा है तो आई में संबंधित का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो विद्यार्थी का नाम है उसके यहाँ पे पेरेंट्स का नेम या फिर लीगल गार्जियन का नाम आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लीगल गार्जियन का नाम भर लेते हैं। साथ यहाँ पे कहता है एज द, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि बताना है कि वह उनका फादर है कि मदर है कि लीगल गार्जियन है, जो भी है इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद कहता है आप यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दिखाई पड़ जाएगा विथ माई आइडेंटिटी प्रूफ एज, यहाँ पे जो उनके गार्जियन है उनके जो पेरेंट्स है जो लीगल गार्जियन है जो डॉक्यूमेंट लेके आएंगे अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि वो आधार लेके आए थे कि पेन लेके आए थे कि ईपी की अपना आईडी कार्ड है कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि और पासपोर्ट है, तो ये पांचों में से कि एक एक वैध डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए। चलिए यहाँ पे हम आधार फिल कर लेते हैं इस तरह से। तो जैसे ही यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट का चयन करते हैं तो यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ का नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डिब्बा है यहाँ पे विद्यार्थी का आईडी प्रूफ का नंबर नहीं आएगा बल्कि उनके जो फादर है या मदर है या फिर जो लीगल गार्जियन है उनके प्रूफ का यहाँ पे नंबर आएगा उनके आईडी प्रूफ का। उसके बाद कहता है कि वन एंट्रीज गिव हमारी, इस प्रकार से यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है इसको आपको एक बार पढ़ लेनी है। क्योंकि आप पहले ही विद्यार्थियों के जो पेरेंट्स हैं उनके लीगल गार्जियन है उसके आप ऑफलाइन मोड पर भी उनका सहमति और फॉर्म फिलअप कराने के बाद आप कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये जानकारी आप पहले से भर के रखे रहेंगे तो उसी के आधार पर ही आपको ये जानकारी फिल कर लेनी है। उसके बाद फिर इंस्टॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे कहता है कि प्लेस ऑफ फिजिकल कंस्टेंट, यानी कि भौतिक रूप से जो सहमति पत्र प्रदान किया गया है स्थान पे वह कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे आपको इस स्थान का नाम भर देना है। यदि हम यहाँ पे स्थान फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे प्लेस ऑफ फिजिकल कंस्टेंट का यहाँ पे स्थान का नाम आ जाएगा और यहाँ पे डेट ऑफ फिजिकल कंस्टेंट यानी कि जिस दिनांक को आपने संबंधित स्टूडेंट के उसके पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन को का आपने सहमति पत्र फॉर्म फिलअप करवाया है उस दिनांक को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। यहाँ से आपको दिनांक चयन कर लेनी है इस तरह से, तो इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है आई करके यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम दिखाई पड़ रहा है एज हेड ऑफ स्कूल आर एनी ऑथराइज टीचर या फिर स्टाफ, यानी कि यहाँ पे जो सीधा सीधा प्रिंसिपल का नाम या फिर प्रिंसिपल ने किसी को ऑथराइज किया है उस टीचर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे नाम फिल कर लेते हैं। और यदि यहाँ पे इसको का नाम दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे आप चेंज नहीं करना चाहते तो इसको आपको ऐसे ही फिलअप रहने देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको पूरी जानकारी फिलअप टोटअप कर लेनी है, फिलअप कर लेनी। चलिए हम यहाँ से फिल कर लेते हैं फिर आगे प्रोसेस। तो इस तरह से देखिए हमने विद्यार्थी के पिता का नाम उनका आधार के अनुसार से उसका आईडी प्रूफ नंबर डाल दिया है और डालने के बाद हम इस के नीचे आ जाते हैं इस प्रकार से। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। उसके बाद क्या करनी है, सिंपल से आपको ये सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यह आपसे पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपर आईडी विद कंस्ट्रेंट बाय फादर रघुनाथ, तो आपको ये कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो कहता है कि अब वेटिंग करके आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली और साथ ही यहाँ पे आपको अपार आईडी का नंबर दिखाई पड़ जाएगा और साथ ही विद्यार्थी के जो पेरेंट्स है उसका जो नंबर दिया गया है मोबाइल नंबर उस मेल नंबर पर भी एक मैसेज चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बारी बारी से आपके क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको अपार आईडी जनरेट करनी है। साथियों अपार आईडी जनरेट करने की कोई कठिन प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया है। इसके आधार पे आप आसानी से सभी विद्यार्थियों को अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं।
जैसे ही हम बैक होते हैं तो यहाँ पर देखिए हम फिर से उसी पेज पे आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको क्लास दिखाई पड़ जाएगा, सेक्शन दिखाई पड़ जाता है, उसके बाद देखिए टोटल एनरोलमेंट हमको 125 दिखाई पड़ रहा है और टोटल जनरेटेड आईडी में हमको एक दिखाई पड़ रहा है और टोटल ट्रेनिंग कितना 124। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने एक विद्यार्थी का अपार आईडी जनरेट किया हुआ है। चलिए हम स्क्रॉल करके देखते हैं कि उस विद्यार्थी के में क्या दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए संबंधित विद्यार्थी हमको दिखाई पड़ जा रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमको सब इस विद्यार्थी का हमने अभी अपार आईडी क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर उसका नाम दिखाई पड़ रहा है और देखिए पेंडिंग की जगह में क्या दिखाई पड़ रहा है, हमको जनरेटेड दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे अपार आईडी नॉट अवेलेबल की जगह में हमको इस विद्यार्थी का अपार आईडी दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए ये अपार आईडी कितने अंक का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक की एक अपार आईडी सभी विद्यार्थियों को जनरेट हो जाएगी। और ये देखिए अक्षर के नीचे में जो जनरेट वाला डिब्बा क्या हो गया, इनका ब्लैक हो चुका है क्योंकि इनको जारी हो चुका है। तो आई होप साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से सभी विद्यार्थियों का बारी बारी से अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। इससे रिलेटेड और किसी प्रकार की आपको जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।